कटरा में दो संदिग्ध लोग देखने के बाद पूरे कटरा में जहां सिक्योरिटी इस समय टाइट है और वहां पर सर्च चल रहा है, वहीं इसी अलर्ट को देखते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने चेकिंग शुरू की है और एक किस्म से एहतियात बरतते हुए स्टेशन की पूरी चेकिंग भी शुरू की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉग स्क्वाड मौजूद है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर चेकिंग करना शुरू कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से कटरा में अलर्ट आया है और दो संदिग्ध देखे गए हैं और ठीक एक दिन बाद जो है वो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और उसको देखते हुए भारी भीड़ कटरा रेलवे स्टेशन पर है और वैष्णो देवी जाने के लिए आ रही है, तो उसको देखते हुए भी एक बड़ा अलर्ट है। और इंटेलिजेंस का इनपुट था जिस तरह से कि दो संदिग्ध कटरा के एरिया में देखे गए हैं, तो उसको देखते हुए जम्मू में भी अलर्ट है और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो रहा है। तो साफ तौर पर सतर्कता बढ़ते हुए जिस तरह से लगातार इंटेलिजेंस इनपुट है और जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या लश्कर हो, इनके आतंकवादियों ने एक मंशा जाहिर किया कि वो टारगेट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को या फिर रेलवे स्टेशन को, तो उसको देखते हुए भी सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है और साफ तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी सतर्कता बरतते हुए पूरे जम्मू रेलवे स्टेशन को यहाँ पर चेकिंग कर रही है। ये विजुअल्स आप रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है और चेकिंग कर रहा है। तो जिस तरह से जैश ए मोहम्मद की बात करें तो आए दिन वहाँ पर एनकाउंटर में मिलिटेंट मारे जा रहे हैं या फिर मिलिटेंट अरेस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए आतंकी कहीं जम्मू कश्मीर जम्मू रेलवे स्टेशन को टारगेट ना करें, इसको लेकर भी लगातार चेकिंग चलती रहती है और यहाँ पर चेकिंग चल रही है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तेज सिंह। कहाँ से आए हैं? जम्मू से। आपने पता, जिस तरह से कटरा में इस समय अलर्ट जारी है दो संदिग्ध देखने के बाद, तो यहाँ की सिक्योरिटी आपको कितनी पुख्ता लगी जो यहाँ पर जम्मू रेलवे स्टेशन में? ठीक है, सेटिस्फाइड है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? जी अमीर। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहाँ जम्मू से आए हैं, है काजीगुंड का। काजीगुंड के। हाँ। जिस तरह से कटरा में दो संदिग्ध देखे गए हैं, दो लोग देखे गए हैं, उसके बस कटरा नहीं गए हम, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी से संतुष्ट हैं? बहुत मुतमईन है, हम बहुत मुतमईन है। यहाँ पे जो जम्मू रेलवे स्टेशन पे सिक्योरिटी है यहाँ पे मुतमईन है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी लगातार चौकसी बढ़ाए हुए हैं और जिस तरह से ट्रेनों की आवाजाही है, कटरा के बाद जो ट्रेन हैं वो जम्मू होते हुए पंजाब या फिर दिल्ली की ओर आगे रवाना होती हैं, तो उसको लेकर भी जो संदिग्ध है कहीं वो ट्रेन से ट्रैवल करके वाया ट्रेन वो जम्मू रेलवे स्टेशन या फिर किसी और गंतव्य तक ना जाएं, इसकी साफ तौर पर पुष्टि करने के लिए या फिर चेकिंग करने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस है अलर्ट है। सभी यात्रियों की यहाँ पे सामान की यहाँ पर डॉग स्क्वाड के द्वारा चेकिंग की जा रही है और पुलिस है वो किसी भी तरह का गुंजाइश नहीं बरतना चाहती, क्योंकि कटरा से लिंक्ड बिल्कुल जम्मू रेलवे स्टेशन है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ से ट्रेन्स गुजरती हैं जो कि कटरा जाती हैं या फिर उधमपुर जाती हैं या फिर पठानकोट पंजाब की या दिल्ली की ओर जाती हैं। तो इस ओर अगर आप नज़र घुमाएंगे तो ये रेलवे स्टेशन है जम्मू का और बिल्कुल सतर्क पुलिस है, चेकिंग हर किसी लोगों की जा रही है, पूरी पर्याप्त चेकिंग की जा रही है और जो प्लेटफॉर्म है वो भी बिल्कुल पुख्ता चेकिंग करके यहाँ पर लोगों को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरह से जम्मू रेलवे स्टेशन है और संदिग्ध कटरा में देखे गए हैं, उसके बाद जम्मू पुलिस भी अलर्ट पर है और जो संदिग्ध हैं कहीं वो जम्मू की तरफ मूव ना करें, इसका भी खास ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि हाईवे को सील किया गया, हाईवे को पूरी निगरानी बरतते हुए वहाँ पे भी सर्च किया जा रहा है और जो सीआरपीएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी ड्यूटी हुई है, लेकिन यहाँ पर जम्मू रेलवे स्टेशन सुरक्षित हो लोगों के लिए ये साफ तौर पे जताने के लिए सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। तो जिस तरह से जम्मू रेलवे स्टेशन की हम चेकिंग भी बता रहे हैं पुलिस महकमे के हमारे साथ, सर जिस तरह से कटरा में दो संदिग्ध देखे गए हैं और ठीक एक दिन बाद नवरात्रा भी शुरू हो रहा है, किस तरह की चेकिंग है जम्मू रेलवे स्टेशन पे इस समय चल रही है? देखिए, जहां जो डॉग स्क्वाड है काफ़ी अरसा से तैनात है जी, काफ़ी वर्षों से तैनात है जी। तो हम रूटीन में प्लेटफार्म की चेकिंग, ट्रेन की चेकिंग, ट्रैक की चेकिंग, मिसाइल जो रेलवे कनेक्टेड एरिया हैं, पार्सल हुआ जी, मुसाफिरखाना एक हुआ, दो हुआ, जो उसकी हम प्रॉपरली करते हैं सर प्रॉपरली। लेकिन जो आज जो अभी इनपुट है, जिस तरह से सर्च भी चल रहा है कटरा में पूरा इस एरिया में और जो लिंक है कि कटरा से उधमपुर होते हुए ट्रेन जम्मू आती हैं, तो कहीं जो लोग हैं जो इस तरह के इस तरफ मूव ना हो, उसको लेकर किस तरह का एहतियात बरता जाए? देखिए, पुलिस हमारी वो पूरी अलर्ट है और हर जो भी जैसे डॉग स्क्वाड है, बम डिस्पोजल स्क्वाड है, हमारे कमांडोज की नफरी है,
तो जो प्लेटफार्म ड्यूटी वाले जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, सभी अलर्ट हैं। सभी अलर्ट हैं। तो साफ तौर पे यहाँ पर बताया कि डॉग स्क्वाड के साथ तमाम जो कमांडोज हैं वो भी अलर्ट पर हैं, क्योंकि अगर कटरा में कुछ हरकत होती है या फिर उधमपुर में होती है उसका असर जम्मू शहर में ज़रूर होता है। और ठीक एक दिन बाद नवरात्रे भी शुरू होने हैं, और जिस तरह से दो संदिग्ध देखे गए हैं, और पहले भी झज्जर कोटली में अटैक हुआ था, नगरोटा में अटैक हुआ था, तो उसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियाँ बिल्कुल भी कोताही बरतना नहीं चाहती हैं, और पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए प्रॉपर पूरे शहर की बात करें या फिर मेन जगहों की जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं या फिर ट्रांजिट है, आगे पीछे जाते हैं, वहाँ की पुख्ता चेकिंग करके अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा वहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है। तो ये हम आपको विजुअल जम्मू रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल सतर्क है और पूरी चेकिंग के दौरान कर लोगों को यहाँ से अलविदा कर रही है। से सुरक्षा है सर, क्या नाम है आपका? ठाकुरदास। कटरा में दो संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद सुरक्षा वहां पर बहुत बढ़ा दी गई है। आप वैष्णो देवी से आए हैं, किस तरह की सुरक्षा वहां पर? ठीक थी, बहुत बढ़िया सुरक्षा। बिल्कुल बढ़िया। कोई वहां पर आपको वहां पर इस तरह का पैनिक तो नहीं लिखा कि लोगों में अफरा तफरी? नहीं नहीं, कोई नहीं। आपका क्या नाम है? मनोज जी। मनोज, कहां से आए और कहां जा रहे हैं? श्री माता वैष्णो देवी से आए हैं जी, और सोनीपत जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से संदिग्धों की बात थी, कटरा में पूरे अलर्ट चल रहा है और वहां पर चेकिंग भी चल रही है, तो वहां की सिक्योरिटी अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक? सिक्योरिटी तो पूरी है जी। कोई ट्रेन में आपको इस तरह की असुविधा? साफ तौर पे यहाँ पे यात्री जो हैं ये कटरा से आए हैं, और साफ तौर पे जो डॉग स्क्वाड है वो ट्रेन के अंदर भी चेकिंग कर रहा है, और जो लोग हैं वो भी यात्रा के दौरान सुरक्षित होकर यहाँ से अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल अलर्ट है, स्टेशन के साथ साथ ट्रेन के अंदर भी चेकिंग की जा रही है, और किस तरह का सिक्योरिटी अलर्टनेस आगे जो रहेगी उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी होती रहेगी, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल अलर्ट है और लोगों की सुरक्षा को लेकर वो बिल्कुल चाक चौबंद दिख रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।